30 अप्रैल गुरुवार को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। इसे गंगा सप्तमी कहती हैं। हिंदू धर्म में गंगा को बहुत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि घर में गंगा जल रखने से पूरा परिवार बुरे समय से बचा रहता है, इसलिए अधिकतर लोग घर में गंगा जल जरूर रखते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित प्रफुल्ल भट्ट के अनुसार घर में गंगा जल रखने के कुंडली के दोष और धन हानि के योग खत्म हो जाते हैं। जानिए गंगा जल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। गंगा जल प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ होता है। जल को तांबे, चांदी या सोने के बर्तन में रखा जाना ज्यादा शुभ रहता है। घर में जहाँ गंगा जल रखा है वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंगा जल पूजनीय है, इस कारण घर में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। समय समय पर गंगा जल की कुछ बूंदों का छिड़काव घर में करना चाहिए, इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। हर शनिवार एक लोटे में साफ जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। ये पानी पीपल को चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि के साथ कुंडली के अन्य दोषों से भी मुक्ति मिल सकती है। नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव घर में करने से सभी वास्तु दोषों का असर खत्म हो जाता है। इसके असर से नकारात्मकता खत्म होती है। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि रोज शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। इस उपाय से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। एशियानेट न्यूज़ हिंदी की रिपोर्ट।